नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 19 वर्ष पूरे हो गए हैं। पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था के लिए सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए फूंक रही है, फिर भी बलरामपुर जिले की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिससे सरकार के करोड़ों रुपए की लागत से आम जनता को कितनी सुविधाएं मिल पाती हैं यह बात अपने आप साफ हो जाएगी। आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सरकार के हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं काम कर रही हैं तो आखिर किन के लिए और लाभ मिल रहा है, किनको लाभ मिल रहा है और किसे नहीं। कई ऐसे सवाल खड़े हो जाएंगे जो सरकार के द्वारा किए गए लाखों वादों की पोल खोल कर रख देंगे। जी हाँ, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में यह कहावत थोड़ी अलग चरितार्थ हो रही है। रोज नाला खोदो और रोज पानी पियो। जी हाँ, नाले का पानी सुनकर बड़ा आपको अजीब लगा होगा। यह दृश्य है वार्ड फन नगर विकास खंड के झापर ग्राम पंचायत का, जहां कारी मिट्टी के लोग आज भी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने 19 साल हो गए, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी मुहैया तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोगों का तो पंचायत के ऊपर से भरोसा उठने लगा है। 19 साल की मांग के बाद भी ना इन्हें कुआं मिला और ना ही हेडपम्प। वहीं जब इस बाबत गांव के सरपंच से बात की गई तो उन्होंने यह कबूल जरूर किया कि हाँ, उन्हें पता तो है कि लोग नाले का गंदा पानी पीते हैं, लेकिन जब पूछा गया कि अभी तक व्यवस्था क्यों नहीं की गई तो सरपंच ने कोरोना काल का बहाना आगे सरका कर अपना पल्ला ही झाड़ लिया। इस मामले में हमारे संवाददाता ने एसडीएम से बात की तो एसडीएम ने उन्हें इस क्षेत्र को वहीन क्षेत्र बताकर बरसात के बाद हेडपम्प खुदवाने का आश्वासन दे डाला। इस पर मुद्दे पर नज़र डालने के बाद सरकार की सभी योजनाओं पर सवाल अब खड़े होने लगे हैं। लोगों पर खर्च किए जाने वाले करोड़ों रुपए की बात भी सवालों के घेरे में दिखती है। अधिकारी कह रहे हैं कि बरसात के बाद पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो लोग बचपन से बुढ़ापे तक पहुंच गए, अभी तक पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, यह सवाल उठ रहा है। कितने ही लोग गंदा पानी पीकर मौत के शिकार हो गए तो आज तक इस व्यवस्था को लागू क्यों नहीं किया गया। क्या इन मायूस लोगों को सर सुविधाएं तो छोड़िए साफ पानी पीने तक का अधिकार नहीं है। आखिर कब तक सरकार की नज़र इन लोगों पर पड़ेगी और इन्हें साफ पानी पीने को मिल सकेगा, अब यह देखने वाली बात होगी। चुनाव के बाद तत्काल कोरोना बीमारी कारण जनपद से आया कि नहीं, कोरोना बीमारी है, अभी बीमारी महामारी है, इसलिए पैसा को काम करने में तो मौखिक रोका गया कि अभी रहने दो, बीमारी बढ़ जाएगा, हो सकता है करो पैसा काम में आएगा, तो उस समय नहीं करने दिए। और फिर इधर लास्ट में बरसात आ गया, बारिश हो गया, तो बारिश के कारण यहाँ गाड़ी नहीं आ पाया तो नहीं खुला पाया। बरसात के बाद जैसा आदेश मिलेगा उसको करेंगे, कार्य योजना रहेगा उतना काम कर लेंगे। जैसे आपके द्वारा मेरे को बताया गया कि झापर के कारी माटी क्षेत्र में वहाँ पे कुछ जो पहाड़ी कोरवा हैं उनके लिए पानी का व्यवस्था नहीं है ऐसा बताया गया, और वहाँ कुएं या ढोड़ी का पानी पीते हैं, तो इसके लिए जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि वो क्षेत्र पहुँच विहीन है, अभी उधर उस क्षेत्र में जाके बोरिंग या हैंडपम्प का खुदाई नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में अभी मेरा डॉक्टर साहब से बात हुआ है, उस क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर मुकेश से, उन्होंने बताया कि जितने भी कुएं और ढोड़ी हैं उनका क्लोरिनेशन और ब्लीचिंग करा दिया गया है, ठीक है। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जैसे ही वो क्षेत्र गमन के लिए तैयार हो जाएगा तो गाड़ी उधर भिजवा के हैंडपम्प की व्यवस्था कराई जाएगी। ये नाला का गंदा पानी आप लोग क्यों पीते हैं माँ? क्यों नहीं पियेंगे, सरपंच सचिव कोई नहीं देते हम लोग के ये पानी के सुविधा, तो क्या करेंगे, तपस्या करते दिन बीत रहा है। सरपंच सचिव को हम लोग साहब बोलते बोलते थक गए, आज यहाँ 20 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक वो हैंडपम्प न तो कुआं नहीं दिए न तो कुछ नहीं दिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, खाली चौड़ा का पानी पीते हैं। सरपंच सचिव लोगों को बोलते हैं साहब कि हमारे वार्ड में चापा कोड़वा दीजिए, हर वार्ड में कोड़वा दिए लेकिन हमारे 12 वार्ड में अभी तक ध्यान नहीं दिए सर, ये गंदा ही पानी पीना पड़ता है हमको लास्ट में। ये नाला का गंदा पानी आप लोग क्यों पीते हैं? क्या करेंगे साहब, ये पीने के लिए जब यहाँ पर नहीं पियेंगे तो कहीं जगह पर नल ही हो तो नहीं है, चापाकल तो नहीं है, इसे सब तो कह कह के खाली हम लोग बता रहे हैं कि हम चापाकल दो, खाली कह रहे हैं कि नहीं देंगे, नहीं गड़ेगा गड़ेगा,
तब इसी आशा आशा में करके कितना दिन रहेंगे यही नल का पानी पी करके हम लोग तपस्या बिता रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.